गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सो गाइस, वी हैव नावेद. गाइस, नावेद ने क्रैक किया कोलकाता बेस्ड कंट्री फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर. सो गाइस, आई वेलकम नावेद. फर्स्ट ऑफ ऑल नावेद, वेरी मच कांग्रेचुलेशन टू यू दैट यू क्रैक द इंटरव्यू ऑफ इंडिगो एयरलाइंस कोलकाता बेस्ड एज अ ऑफिसर सिक्योरिटी. सो गाइस, नावेद वॉज अवर क्रैश कोर्स स्टूडेंट एंड गाइस, नावेद टुडे विल बी शेयरिंग हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई और हाउ ही क्रैक्ड इट. And how was the crash course very much helpful for him? And उसके earlier कौन सा fraud हुआ? ये सारी की सारी चीजें हम लोग discuss करेंगे. And he will be explaining each and everything in very well mannered way. तो guys, आप video पे बने रहिएगा. Guys, एक चीज और कि नावेद जो है कुछ secret tricks भी share करेगा video के बीच में, तो आपको video skip नहीं करना है. और guys, do watch the videos के साथ बने रहिए. And he will be sharing each and everything how he cracked the interview. And उसके बाद what kind of questions they asked and what answer he told to them each and everything. How was his resume? Each and everything he discuss करेगा यहाँ पे. तो है इस first of all नावेद, very much congratulations that you got selected. Thank you sir. And मुझे बड़ा अच्छा लगा यार you got selected, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा selection definitely हो ना. और एक चीज और, तो नावेद do tell our viewers कि तुमने कैसे पहले course join किया, तुम कहाँ से आए और तुम्हारे पहले कैसे fraud हुआ ये बताओ, उसके बाद बताना कि क्या क्या question हमसे पूछे गए सारी की सारी चीजें. या नावेद, go ahead. Okay sir. Sir, 2020, sir, before COVID, we were in the institute. We enrolled ourselves in the institute, sir, which is in Kolkata. I won't mention the institute name, but we were institute and they charge us like 1.54 lakhs for the ground staff only. But they didn't provide us any job. Like for the 2-3 years, they have a reason, sir, that Corona is in peak. So try to enroll yourself into the hotel. So wo hotel ka de rahe the, sir, lekin hum log ko hotel ka chahiye hi nahi tha. कि हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए उनको दिए थे. और ये मेरा, मैंने पर्सनली, मैंने कोलकाता जाके फ्रैंकलिन नहीं ज्वाइन किया था और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहां नहीं ज्वाइन किए थे, वहीं गया था. और मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी था अमृत, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया. फ्रॉड तो हो गया सर, जॉब वॉब तो कुछ भी नहीं मिला, जॉब के नाम पे कहीं कुछ नहीं मिला. तो एक दिन मैं रैंडमली ऐसे स्क्रोल कर रहा था सर यूट्यूब पे, तो आपका पहले आया, तो मैंने आपका चैनल व्यू किया एविएशन लाइफ. मैंने उसको व्यू करके देखा कि मतलब क्या है ये, क्या है क्या नहीं है. एक पॉइंट पे लगा कि नहीं ये भी वही होगा जब जैसे पहले, इसमें भरोसा नहीं कर सकते. फिर थोड़े दिन के बाद मैंने देखते क्या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का मैंने वीडियो देखा, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया सर कि नहीं ये डिफरेंट हो सकता है, चलो ट्राई करते. जहां मैंने इतने पैसे फंसाए, तो उस वक्त फीस तो शायद 2500 था जब हम लोग थे 15 दिसंबर में, तो चलो 2500 भी चलेगा, कोई बात नहीं, देखते क्या है. तो मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया हाँ ऐसा सब बात है ये ठीक है चलो कर लेते. फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने दोस्त को ही बोला कि कर भाई, रिस्क लेना ही पड़ेगा, जहां इतना किया हुआ इतना ही करना जरूरी है. अल्हम्दुलिल्लाह सर वो भी सेलेक्ट है. वंस यू ज्वाइन द कोर्सेज ना, तुम्हें कंटेंट समझ में आता है कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है और पढ़ा क्या रहे हैं. दिस इज व्हाट एब्सोल्युटली व्हाट यू नीडेड इट, वो वही रहता है. तो दैट्स द रीजन यू कॉल्ड अमृत. एंड अमृत गाइस, अमृत का एक द इंटरव्यू ऑफ एयर इंडिया सेट्स, तो तुम उसका आई बटन में क्लिक मार के देख सकते हो उसका वीडियो. अमृत का एयर इंडिया सेट्स में उसका हो गया सर, वो 12th पास था. उसके बाद बड़ी दिक्कतें थी कि उसको 12th पास में सेलेक्ट होना है. अनफॉर्चूनेटली 12th पास की वैकेंसी आई एंड अमृत ही मेड इट इन 12th पास वाला क्या बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया. सर अमृत वाज वेरी फॉर्चूनेट, लाइक इंडिगो डजंट हायर अंडर ग्रेजुएट एट दैट टाइम, बट एयर इंडिया डज. तो उसका लक लग गया सर. हम लोग गए, हम लोग एक साथ रह रहे थे दिल्ली में सर. Okay. एक साथ रहे, तो मैंने वो बोला बोले चलो चलो चलो, बोला ठीक है चलो. उसका हुआ तो मेरे भी कुछ रीजंस थे दैट आई डिडंट मेक थ्रू. एनीवेज सो हो गया सर. ओके नावेद, वेरी गुड ना, वेरी गुड. ओके नावेद, ये बताओ कि यार व्हेन वाज द इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू कब हुआ और कैसे कैसे इंटरव्यू क्रैक किया तुमने सर? बिफोर सर, सर बिफोर अटेंडिंग इंडिगो इंटरव्यू, आई हैड आल्सो क्रैक्ड द स्पाइसजेट रिजर्वेशन इंटरव्यू व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इट वाज नॉट अ क्वाइट अचीवमेंट, सो आई डिडंट पे हीड टू दैट इंटरव्यू सर. उससे पहले मैं बिफोर टेलिंग अबाउट एलैबोरेटिंग अबाउट इंडिगो इंटरव्यू, आई विल फर्स्ट शेयर माय स्पाइसजेट एक्सपीरियंस सर. सो द इंटरव्यू वेन्यू वाज स्पाइसजेट, अराउंड 50 पीपल वेयर देयर, वी वर समन्ड टू अ बिग हॉल. तो आउट ऑफ 50 पीपल ओनली सर 2 पीपल गॉट सेलेक्टेड, इट वाज मी एंड इट वाज अ गर्ल. सो वाज वेरी सरप्राइज था कि सिर्फ 2 ही लोग सेलेक्ट हुए, एक अच्छा सा फीलिंग आया. लेकिन पहले जब क्रैश कोर्स के पहले जब मैं इंटरव्यू देने आता था सर, कुछ भी बोल के आता था सेलेक्ट नहीं होता, मेरा सीवी भी एकदम बेकार सा था, तो कोई भाव नहीं मिलता था सर उस बार. फिर मैं गया तो जब देखा कि 50 में से 2 लोग सेलेक्ट हुए, तब मुझे लगा हाँ कुछ डिफरेंसेस है, मेरा आंसर सही था. और वो जो पूछे ना सर इंटरव्यू में, वो आपके कोर्स से ही आया.
उसमें क्वेश्चन था हाउ यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, तो जैसे जैसे आपने आंसर दिया था सर वही वाला मेरे ड्राइवर है, वाह वही तो आएगा बस सेलेक्ट हो गया उसमें। यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमने वहीं से लिया हुआ है ना, हाउ यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, टेल मी व्हाट वाज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, ये वो, तो वो तो यार फिर तुम यहाँ तक गए होगे कि ये ऐसा किया मैंने वो, पूरा याद किया था सर, पूरा याद किया था सर पूरा, है ना। इतना कोई बोलता नहीं है यार लास्ट वीकेंड में ये वो, अक्सर लोग कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। द वे यू प्रिपेयर्ड, द विद द वे वी मेक देम स्टूडेंट प्रिपेयर, तो यार तो फिर अमेजिंग है। ओके उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट राउंड के बाद क्या हुआ? फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने 10 जन को सेलेक्ट किया, फिर सेकंड राउंड में वो लोग सीवी से शॉर्टलिस्टिंग करते, बहुत लोगों के सीवी में एमटीआई एमटीए मदर टंग इंश्योरेंस में डाला, तो मेरा तो ऐसा कुछ आया नहीं था सर। तो लास्ट में हम सेलेक्ट थे और एक लड़की थी मेरे साथ वो सेलेक्ट थी, बस दो जन। तो वो लोगों ने बोला कि आप लोग शाम तक मुझे ये दे दो, अपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड कर दो, तो मैंने सब सेंड कर दिया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट दिया और मेरे मंडे का मेरा ज्वाइनिंग था सर, फर्स्ट चाहे 10th था या पता नहीं क्या डेट है, कोई याद नहीं है। और उसी मंडे को मैंने फिर जैसे मैं ट्रेन से आ रहा था, मेट्रो से आ रहा था, मैंने 7th को देखा कि इंडिगो का कोलकाता बेस में इंटरव्यू आया हुआ, तो मैंने अप्लाई किया। और जिस दिन मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ मैंने 7 को अप्लाई किया था, 14 दिन शायद लगा था सर। मैं आपको बार बार तंग कर रहा था सर, शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, आप बताइए। वेट करो भाई, किसी का शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ करके, क्योंकि वंस शॉर्टलिस्टेड ना हम लोग को समझ में आता है कि शॉर्टलिस्ट हो गया है यहाँ पे सर। सीवी शॉर्टलिस्टिंग तो 100% है सर, मैंने आप 3 पेज का बना के दिया था सीवी मेरे को, मैंने उसको 2 पेज किया था क्योंकि बहुत सारे पेजेस थोड़ा बचा रहा था। बारे में चीजें मत बताओ यहाँ पे। हाँ सर वही कुछ भी है। okay, okay, फिर मैं इतना डर गया सर कि शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, शॉर्टलिस्ट क्यों, आखिर में सर शॉर्टलिस्ट हुआ। आशीष सर का सीवी 100% शॉर्टलिस्ट होता ही होता है, ये तो कंफर्म है सर, डेफिनेटली होगा। तो जब शॉर्टलिस्ट हुआ सर, मैं फटाफट टिकट बुक किया, दिल्ली से कोलकाता आया, फिर वहां पे रूम लेके रहा। कि जो तुम्हारा रिजर्वेशन का इंटरव्यू था उसमें क्या मतलब, पहला राउंड तो ये हो गया था इंट्रोडक्शन, सेकंड राउंड क्या हुआ था उसमें? सेकंड राउंड सर उन्होंने मेरे सीवी को देखा, बोला कहाँ रहते, अपना एड्रेस रिपीट कीजिए, तो मैं बताया उसको महिपालपुर, हाँ महिपालपुर गली नंबर 2 ऐसे करके। फिर आज कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट वगैरह ये सब पूछा गया, फिर और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए कि व्हाट आर योर हॉबीज वगैरह में, तो फिर हॉबीज से मतलब सीवी से ही पूरे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे सर। बस वो बोला ठीक है आई यूर शॉर्ट लिस्ट। क्या वो लोग कोई रिटन पेपर कंडक्ट कर रहे थे, रिटन एग्जाम कुछ, रिटन एग्जाम कुछ? नहीं सर कुछ भी नहीं, रिटन विटन इस बार नहीं किया शायद। ओके तो गाइस लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि पहले जो एक्सपायर्ड रिजर्वेशन में जो एग्जाम होते थे वो पहले जो थे वो पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाते थे ऐसे वैसे ये वो ताम झाम, लेकिन नाउ थिंग्स हैव बीन एब्सोल्युटली क्लियर। अब वो बीच का जो पोर्शन है वो हट गया है, राइट? सो दे आर नॉट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल, वो कुछ एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड आई गेस इंट्रोडक्शन राउंड है, सेकंड राउंड इज अगेन दे आर जस्ट टेकिंग द पर्सनल इंटरव्यू, राइट? ओके उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या रिजल्ट उन्होंने तुरंत बता दिया और दे टेक टाइम? हां ज्यादा देर नहीं लगा सर क्योंकि बहुत कम जन ही सेलेक्ट हुए थे ना, फर्स्ट राउंड में 10 जन सेलेक्ट हुए थे, सेकंड में 2, हम और एक लड़की थी बस। उसके बाद वो लोग बोल दिए कि यू आर बीन शॉर्टलिस्टेड, आपने जल्दी दी फटाफट। एक हफ्ते के बाद में उन्होंने मुझे बोला आपका कोई भेजो नावेद और आप आ जाओ जल्दी से इधर अगले मंडे को आ जाना। तो मंडे को तो मैं गया ही नहीं सर, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था स्पाइस जेट में, बस मैंने चल गया था जल्दी के लिए। जिसको ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है उसको ऑपरेशंस में काम करने ही मजा आता है यार। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन व्हाट वी कैन से ऑपरेशंस, देन तुम्हें उसी मजा आएगा। और तुम ग्रेजुएट हो यार तो गो फॉर इट ना भाई, सिंपल गो फॉर द ऑपरेशन। वही सर, एक बार इंटरेस्ट आ ही नहीं बस में जी, चल गया ऐसे ही इंटरव्यू देने सर। हां नहीं यार नहीं, एक बार फंस जाओगे तो फिर तुम बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा है, उसमें तो बात करना है, ये है रिजर्वेशन है, मुझे ऑपरेशंस करना है। तो यार मुझे ऐसा लगता है तुम ग्रेजुएट हो भाई तो फिर सिंपल सी बात है, ऑपरेशन इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट थिंग फॉर यू, रादर देन वो क्या बोलते हैं स्पाइसजेट का ये वो एंड रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव। तो और इसमें सैलरी भी ज्यादा है इंडिगो में, और ना कोई इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सो यार तो गाइस लेट मी मेक शेयर वन थिंग इज दैट डू जॉइन दैट एयरलाइन जिसमें पैसे कम लगे, डू जॉइन दैट एयरलाइन जिसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ना हो तो ज्यादा बेहतर है। इवन तो नावेद पता है आजकल हो क्या रहा है, स्टार एयर दे आर आस्किंग फॉर 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी, तो एयरलाइन 2 लाख, हाँ 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। शुक्र मनाओ कि इंडिगो अभी भी कुछ चार्ज नहीं करती है। ओके नावेद है ना, पता नहीं सर आगे जाके करे शायद, आगे जाके करेगी ना, आगे जाके डेफिनेटली करेगी, जो चीजें वो देख रहे हैं तो मुझे तो डेफिनेटली करेगी यार, अपकमिंग 1-2 साल में डेफिनेटली करेगी, 1 साल में तो कर ही देगी यार वो, ठीक है ये चीज है। ओके नावेद तो तुम वो, चलो ये तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा स्पाइसजेट एयरलाइंस इंटरव्यू का। ओके गाइस है ना, तो लेट मी एक सेकंड रुकूंगा नावेद। सो गाइस दिस इज पार्ट 1 ऑफ नावेद गेटिंग सिलेक्शन स्पाइसजेट एयरलाइंस रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव। नाउ पार्ट 2 विल बी देयर जिसमें वो बताएगा कि इंडिगो एयरलाइंस में कैसे इंटरव्यू है, कैसे उसने इंटरव्यू निकाला, ये सारी की सारी चीजें। तो गाइस लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं और आई बटन भी चेक कर सकते हैं, एंड एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है फॉर द 8 मई क्रैश कोर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं
और नावेद कतर है, एयरलाइंस कंट्री निकालना चाहते हैं, तो डू ज्वाइन अवर क्रैश कोर्सेज गाइस।